नमस्कार दोस्तों, सुन रहे हैं आप? कुछ तो सुनाई दे रहा होगा आपको। इस सन्नाटे में ये मधुर संगीत कुछ कह रही है, हमें सुनना आना चाहिए। क्योंकि सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं होता, बहुत कुछ सुनाता भी है। फिलहाल तो यहाँ संगीत है, और सिर्फ संगीत ही नहीं, बहुत कुछ सुनने को होता है जब कुछ नहीं होता है। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, जब कुछ नहीं होता है तो सुनने को बहुत कुछ होता है। हम सुन नहीं पाते, वो एक अलग बात है, लेकिन सुनने के लिए बहुत कुछ होता है। हम सन्नाटा शब्द काम में लेते हैं, पर सन्नाटे से अच्छा शब्द है शांति। शांति सभी को प्रिय होती है, और सब चाहते हैं कि शांति से रहें और शांति उनके अंदर व्याप्त हो। तो शांति सुनना और अनसुनने से अलग की बात है, जो कि बियॉन्ड माइंड से उत्पन्न होती है। आप मन से परे जाते हैं तो शांति उत्पन्न होती है, जहाँ पे सुनने का भी रोल खत्म हो जाता है और ना सुनने का भी रोल खत्म हो जाता है। अनसुनी, अनसुनना मतलब ये होता है सुनने को इग्नोर कर देना। तो यहाँ पे एक्टिविटी है, जहाँ एक्टिविटी होती है वहाँ शांति नहीं होती है। तो शांति वहाँ होती है जहाँ पे सुनना और अनसुना दोनों ना हो, बियॉन्ड माइंड, माइंड से परे हो जाए। क्योंकि माइंड का काम है कुछ करना, नहीं सुनना भी एक करना है, क्रिया है ना। आप नहीं सुनने की प्रैक्टिस कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, एफर्ट लगा रहे हो कि नहीं सुनना है, कान बंद कर लेना है या माइंड डाइवर्ट कर लेना है। तो नहीं सुनना भी अपने आप में एक एक्टिविटी है, और एक्टिविटी मन के बिना नहीं हो सकती। जहाँ पे मन है वहाँ पे शांति नहीं है, वहाँ अमन नहीं हो सकता, चैन नहीं हो सकता, यानी शांति नहीं हो सकती। अमन मीन्स शांति, अमन शांति का पर्यायवाची है, सिमिलर वर्ड कह सकते हो। तो इसीलिए शांति के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, नहीं सुनने की क्रिया भी नहीं करनी और सुनने की क्रिया भी नहीं करनी, उसको इग्नोर करने की भी क्रिया नहीं करनी, वो एक शांति है। हमारे भीतर ही इतनी कुछ बातें चल रही होती है, इतने स्वर चल रहे होते हैं, इतने तरंगे चल रहे होते हैं, उसे हम सुनना नहीं जानते। अगर उन्हें हम समझना, सुनना और महसूस करना जान जाएं, तो शायद हो सकता है कि हम अपने आप से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो सकते हैं। अब एक प्रश्न हो सकता है कि अपने आप से हम कनेक्ट हों क्यों, क्यों हों अपने आप से कनेक्ट, क्या आवश्यकता है ऐसे काम करने की? वो इसीलिए कि हम सभी को सुख और शांति की तलाश होती है, और वो हमें अंदर ही मिल सकती है, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो इस फैक्ट को ध्यान में रख के हम अपने अंदर की तरफ बढ़ेंगे, और क्रिया और अक्रिया से दूर होके, निश्चिंत होके, अपने आप में कनेक्ट होके ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो जितने ऑब्जेक्ट होंगे उतने आप उलझे रहेंगे, जितने आपके सामने चीज़ें होंगी आप उलझे रहेंगे, शांति से दूर रहेंगे। और जितना आप ऑब्जेक्ट से दूर होंगे, आपके सामने विकल्प नहीं होगा, आपके सामने कुछ काम नहीं होगा। इसको अकर्मण्यता तो नहीं कहते, यानी कि काम से मुक्त हो जाना। कर्मण्यवादी लोग और कर्मवादी लोग वो इस बात को कहते हैं कि निठलापन है, बट ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि कुछ ना करना, न्यूट्रल हो जाना, शून्य हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने आप से जुड़ जाना बहुत बड़ी बात है, अपने आप से कनेक्ट हो जाना, दूसरों से लालसा, दूसरों के प्रति अपनी एक इच्छा रखना, उनसे उनके प्रति कुछ अपने लिए कुछ मिल जाने की आकांक्षा रखना, ये सारी ऑब्जेक्टिव बातें होती हैं जो बाहर से मिलने वाली होती हैं, या बाहर से मिलने वाले के लिए आशा भरी होती है, जो कि दुख का कारण भी बनता है। और अगर वो सुख का कारण भी बने तो सुख और शांति में फर्क होता है। सुख एक ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है, शांति बिना ऑब्जेक्ट के भी हो सकता है, जो आपके भीतर चल रही होती है उसके साथ सिर्फ कनेक्ट होना होता है। तो फिर कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि हम आंख बंद कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट तो बंद हो गए, सामने कुछ भी नहीं है, फिर शांति क्यों नहीं आती है? उसके लिए प्रिपरेशन चाहिए होता है। सिर्फ आंख बंद करना सफिशिएंट नहीं होता है, वैसा जीवन जीना होता है। आप एक पागलों वाली ज़िंदगी जिए, बच्चों वाली ज़िंदगी जिए, जहाँ पे कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, बट छोटी सी एक्सपेक्टेशन मीन्स हंसी, खेलना, सरल बन के रहिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये अगर आप में अंदर घटित हो जाती है तो आप शांति को वर्ण कर सकते हो, शांति को अपने अंदर घटित कर सकते हो, फील कर सकते हो। नहीं तो फिर ये भी हो सकता है कि आप पहाड़ों में चले जाओ, वहाँ भी आपको शांति ना मिले। इन्वायरमेंट तो आपको सपोर्ट करेगा, बट अंदर से चलना बहुत आवश्यकता है। और आप अगर समूह में रहते हो, भीड़ में रहते हो, और ऐसे जगहों पे घिरे रहते हो कि जहाँ पे शायद लोग शांति की सोच भी नहीं सकते, फिर भी आप शांत रह सकते हो। तो डिपेंड ऑन योर फीलिंग, योर थॉट एंड योर थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। और इस पर भी डिपेंड करता है कि आप अपने विचारों पर कितना कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल तो मैं बताऊंगा आपको कभी और अगले वीडियो में कि कैसे करना होता है। एक्चुअली चाह के कंट्रोल नहीं होता, वो अपने आप ही हो जाता है, सरलता से हो जाता है, सहजता से हो जाता है। तो फिलहाल हम ऑब्जेक्ट से बचें और अंदर से कनेक्ट हों और अपने भीतर की शांति को फील करें। धन्यवाद।